पंचभूत और त्रिपुट तत्वों से बनी असुर सेना अब तैयार है। इसमें प्राण फूके जाने के लिए यज्ञ की अग्नि को और शक्ति देनी होगी, किंतु इसके लिए मुझे और हवन सामग्री और घृत की आवश्यकता होगी। शीघ्र जाओ, लेकर आओ ये सामग्री। हमने यदि यज्ञ में बाधा डाली तो गुरु शुक्राचार्य का ध्यान आकृष्ट होगा और वो उस विघ्न को दूर करने का कोई उपाय सोच लेंगे, किंतु हम उसके पूर्ण होने में विलंब तो अवश्य उत्पन्न करवा सकते हैं। ये हमें सेवकों के वहाँ पहुँचने से पूर्व ही उस स्थान पर पहुँचना होगा जहाँ हवन सामग्री और घृत का भंडार है। चलिए मूषक जी, जिस ओर वो सेवक जा रहे हैं भंडार गृह भी अवश्य उसी ओर होगा। ओम नमो 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 स्वाहा। ओम नमो 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 स्वाहा। सुरंग में है हवन सामग्री, मुझे तत्काल कोई उपाय करना होगा ताकि असुर सैनिक वहां तक पहुंच ही ना सके। हाँ, ये उपाय तो अच्छा है। सुन जी, अब हमें जो करना है उसके लिए थोड़ा समय मिल गया। हाँ प्रभु। मूषक जी, शीघ्र चलिए भंडार के भीतर। प्रभु, यहाँ हवन सामग्री और घृत तो इतनी अधिक मात्रा में है। हाँ, जितना बड़ा षड्यंत्र तैयारी भी उतनी ही विशाल है, किंतु अब समय आ गया है विघ्नकर्ता के रूप में विघ्न डालने का। मूषक जी, वे असुर सेवक यहाँ पहुँचे उसके पूर्व इस सामग्री और घृत को समाप्त करना होगा हमें। हाँ हाँ प्रभु। मूषक जी, आप सामग्री नष्ट कीजिए, मैं घृत का उपाय करता हूँ। हाँ प्रभु, आरंभ करते हैं। हवन किए जो शुक्राचार्य आयोजित, जिससे हो देव नष्ट जग का हो अहित। विघ्न कर्ता की भूमिका गजानन निभाए, सामग्री यज्ञ की सब मूस संग खाए। शीघ्रता करो, गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे हैं, शीघ्र चलो। हाँ हाँ मूषक जी, सारी सामग्री नष्ट कर दीजिए। असुरों के गुरु शुक्राचार्यों को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं है, आगे बढ़ो। शीघ्रता कीजिए मूषक जी, असुर सेवक किसी भी क्षण यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या हो गया?
सारी सामग्री और घृत कहाँ लुप्त हो गए? गुरु शुक्राचार्य को ज्ञात हुआ तो उनका क्रोध हमें भस्म कर देगा। किंतु किसने किया ये दुस्साहस? गया कहाँ? ये तो अच्छा हुआ प्रभु, यहाँ उन सेवकों ने भंडार में प्रवेश किया और वहाँ हम निकल गए। अब तो वो इसी विचार में होंगे कि सामग्री और घृत को किसने नष्ट किया। हाँ मूषक जी। तो आइए मूषक जी, हम असुरों के इस अधर्म कार्य में थोड़ा और विघ्न उत्पन्न कर देते हैं। हाँ प्रभु, क्यों नहीं? अब ये कवच गुफा में समाहित होने वाले तत्वों की शक्तियों को रोकेगी। आगे बढ़िए मूषक जी। प्रतीत होता है प्रथम पूज्य श्री गणेश अपने प्रयास में सफल हुए, हमारी ऊर्जा लौट रही है। हाँ देवराज, पंच तत्वों का प्रवाह क्षीण क्यों पड़ गया? प्रतीत होता है कि कोई मेरे कार्य में विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहा है, अन्यथा मेरे कार्य की गति कम कैसे हो रही है? नहीं, हवन सामग्री समाप्त नहीं हो सकती। मैंने अपने सेवकों को सामग्री और घृत लाने के लिए भेजा था, इतना विलंब क्यों कर रहे हैं वो? अभी तक सभी स्तंभित हैं। मैं पुनः अपने स्थान पर बैठ जाता हूँ और इनका स्तंभन तोड़ता हूँ। क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? लड्डू खिलाइए ना। जी महादेव पुत्र, मैं वही करने का प्रयत्न कर रहा था। बस पर्याप्त है। क्या प्रभु, हम तो आपको लड्डू खिला ही ना सके, आपका तो एक ही लड्डू में उधर भर गया। इसका कारण भी आप कुछ ही समय में जान जाएंगे, जब आपको ज्ञात होगा कि आज कितने घृत का पान किया है मैंने। रुकिए, आप दोनों अपने हृदय को छोटा मत कीजिए। जो लड्डू तारकाक्षी ने मुझे खिलाया वो आप सबकी इतने श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण था कि उसी से मेरा उदर भर गया। आप इन शेष लड्डुओं को त्रिपुर में प्रसाद के रूप में बंटवा दीजिएगा। जैसी आपकी आज्ञा। अब आप मुझे अनुमति दीजिए। इतनी शीघ्रता तो हुई क्या है? आपकी सेवा का हमें थोड़ा और अवसर दीजिए। वो अवसर शीघ्र प्राप्त होगा आपको, किंतु अभी तो मुझे जाकर पिताश्री को आपकी भक्ति और सेवा से अवगत कराना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारी प्रार्थना स्वयं महादेव तक पहुंच जाएगी। आइए। मैं अपने सानिध्य का सौभाग्य प्रदान करने के लिए शत शत नमन प्रभु।
महादेव पुत्र का अचानक यहाँ पर आगमन और उतनी ही शीघ्रता से प्रस्थान क्यों संभव है? भ्राताओं, ये उन दुष्ट देवताओं का कोई छल हो। भ्राताश्री, कहीं यहाँ आकर हमारा उद्देश्य तो ज्ञात नहीं कर लिया महादेव पुत्र ने? तुम दोनों शीघ्र जाओ और जाकर देखो कि आचार्य शुक्राचार्य का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। अब हमारे वास्तविक प्रयोजन में और विलंब नहीं होना चाहिए। बहुत प्रतीक्षा की है दिवस की, अब और नहीं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। पिताश्री, त्रिपुर में आपके भक्तों से मेरी भेंट हुई और मुझे विश्वास है कि तुमने वहाँ कुछ भी अनुचित नहीं पाया। पिताश्री को केवल बोलकर नहीं, किसी अन्य प्रकार से समझाना होगा कि त्रिपुरासुर की वास्तविकता क्या है और वहाँ क्या चल रहा है, किंतु कैसे? मिल गई युक्ति। अवश्य पिताश्री, आपका विश्वास उचित है। अनुचित का तो लेश मात्र भी नहीं था वहाँ, किंतु मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। पिताश्री, माँ, मेरे साथ आइए ना। कितना कोमल, कितना सुंदर स्वर है इस कोयल का। हाँ माँ, किंतु अपने मधुर स्वर से सबका मन मोहने वाली इस कोयल के पंजे पर भी एक दृष्टि डालकर देखिए। कभी कभी कोमलता के पीछे अपनी क्रूरता छिपाने वाले, अपने ऊपर पवित्रता और धार्मिकता का ढोंग रचते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, किंतु उनके भीतर कुटिलता छिपी होती है। हमें कोयल के निकट लाने का तुम्हारा आशय मैं समझ गया पुत्र, कि इस कोयल के समान त्रिपुरासुर भी दोहरा चरित्र रखते हैं। हाँ पिताश्री, त्रिपुरासुर आपकी भक्ति अवश्य करते हैं, किंतु उनकी भक्ति के पीछे ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव नहीं, अपितु ईश्वर से निरंतर कुछ प्राप्ति की लालसा है। पिताश्री, वो दिवस रात्रि आपकी पूजा करते हैं, जिससे आप उनका वध ना करें। ब्रह्मदेव को तपस्या से प्रसन्न कर उन्होंने त्रिपुर वरदान में मांगा, जहां देवता भी अनुमति के बिना प्रवेश ना कर सके, जिसका लाभ उठाकर वो वहां देवताओं, महाभूतों और त्रिपुर के अंशों से ऐसी अपराजय सेना उत्पन्न कर रहे हैं, जिसे तब तक नष्ट नहीं किया जा सकता जब तक त्रिपुर का विनाश ना हो। गणेश उचित कह रहा है। हाँ माँ, गुरु शुक्राचार्य की निगरानी में उन्होंने त्रिलोक पर असुरों का अधिपत्य स्थापित करने का कुचक्र रचा है। इससे पूर्व कि वो असुर सेना जीवित होकर सर्वत्र विनाश करे, आपको उन त्रिपुरासुर का वध करना ही होगा पिताश्री। मुझे दिखाई दे रहा है त्रिपुर का नाश करने के लिए जो अनिवार्य स्थिति है वो अभी उत्पन्न हो रही है। स्वामी, यदि अभी आपने विलंब किया तो अगले सहस्त्र वर्षों तक त्रिपुर का नाश असंभव है। सहस्त्र वर्षों तक असंभव हो जाएगा, वो क्यों माँ? पुत्र,
जब ब्रह्मदेव ने त्रिपुरासुरों को सहजता से वरदान दे दिया तो उन्होंने ब्रह्मदेव से कुछ और भी मांगा। प्रभु, मेरे भ्राताओं की इच्छा अनुसार हमें त्रिपुर का वरदान देने की कृपा कर। आपने हमें कृतार्थ किया, किंतु मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं। मेरी एक इच्छा अभिशेष है, उसे भी पूर्ण करने की कृपा कर। कहो वत्स कमलाक्ष, क्या चाहते हो तुम? प्रभु, मेरे भ्राता की इच्छा अनुसार मात्र महादेव ही त्रिपुर का नाश कर सकते हैं, किंतु तब सहस्त्र वर्षों में हमारे त्रिपुर के तीनों पुर एक सीधी रेखा में स्थिर हो। और जब शिवजी अपने एक ही बाण हमारे तीनों पुरों पर प्रहार करें, जो बाण बाण ना हो और वो बाण उस धनुष से चले, जो धनुष धनुष ना हो और महादेव ऐसा उस रथ पर आरूढ़ होकर करे, जो रथ रथ ही ना हो। प्रभु, मात्र इसी अवस्था में त्रिपुर और हमारा विनाश संभव हो। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अर्थात यही उचित अवसर है उनके विनाश का, अन्यथा त्रिलोक पर उनका आधिपत्य स्थापित हो जाएगा और सर्वत्र अधर्म का अंधकार छा जाएगा। जिनके मुख पर सदा मेरा ही नाम रहता है, अपने उन अनन्य भक्तों पर मैं अपने अस्त्र कैसे उठा पाऊंगा? गणेश, किंतु आपके वो भक्त तो संपूर्ण संसार का अहित करने की योजना बना रहे हैं पिताश्री। आपके प्रति उनकी भक्ति ढाल बनकर उनकी रक्षा कर रही है, किंतु उनकी भक्ति की ढाल इतनी भी बलवान नहीं है पिताश्री। पुत्र, तुम्हें जो भी उपाय करना है शीघ्र करना होगा, क्योंकि त्रिपुर अब एक सीधी रेखा में शीघ्र आने वाले हैं, और जितनी शीघ्र वो उस रेखा में आएंगे उतनी ही शीघ्र उस रेखा से बाहर भी चले जाएंगे। तुम्हारे पास कुछ ही पहर का समय है। माँ, मुझे ज्ञात है समय कम है। धर्म परायण जनों का विघ्न हरता हो तो अधर्मियों और पापियों का विघ्न करता भी तो हूँ। कोई अनिष्ट नहीं होने दूंगा मैं, किंतु उसके लिए मुझे मामा जी की सहायता चाहिए होगी। ये कैसा विघ्न है? अकस्मात ये अवरोध कैसे उत्पन्न हुआ? नहीं, मैं अपनी असुर सेना का निर्माण करके ही रहूंगा, और इसके लिए मैं अपनी समस्त आसुरी शक्तियों का आवाहन कर इस कार्य को पूर्ण और सफल करूंगा। क्षीण हो रही, अर्थात संकट अभी ढला नहीं। हाँ इंद्रदेव। अपनी रक्त की आहुति देकर भी इस यज्ञ की अग्नि को बढ़ाने की आवश्यकता होती तो वो भी करता मैं, किंतु अपनी असुर सेना और इस यज्ञ पर आज कदापि नहीं आने देता। त्रिपुर की एक रेखा में आने के पूर्व इस असुर सेना को जीवित करूंगा।
फिर त्रिपुर का कोई विनाश नहीं कर सकेगा। हर हर महादेव। हमें शीघ्र त्रिपुरासुर को रोकना होगा, इससे पूर्व कि त्रिपुर सीधी रेखा में आकर सर्वत्र विनाश का कारण बने। पुत्र, तुम्हें जो भी उपाय करना है शीघ्र करना हो, क्योंकि त्रिपुर अब एक सीधी रेखा में शीघ्र आने वाले हैं। माँ, मुझे ज्ञात है, कोई अनिष्ट नहीं होने दूंगा मैं, किंतु उसके लिए मुझे मामा जी की सहायता चाहिए होगी। मुझसे कैसी सहायता चाहते हो भांजे? मामा जी, त्रिपुरासुर के भीतर छिपी कुटिलता को उजागर करने में मेरी सहायता कीजिए। अपने भक्तों को दंडित करने में संकोच कर रहे हैं महादेव, इसलिए तुम मेरे पास सहायता के लिए आए हो भांजे। प्रभु शिव शंकर को अपने भक्तों को दंड देने में उसी प्रकार संकोच होता है जैसे एक उद्दंड बालक को सुधारने के लिए उसके स्नेही पिता को होता है। उचित है महादेव भोले नाचो ठहरे। मामा जी, किंतु आप तो भोले नहीं है ना, आप तो सहज ही उन दुष्ट त्रिपुरासुर का वास्तविक रूप उजागर करने में सक्षम है, इसलिए उनकी परीक्षा लीजिए। मेरी विनती है, उजागर कर दीजिए उनका गुप्त भेद, त्रिपुर को मिटाकर अधर्म का नाश करने का यही एकमात्र अवसर है मामा जी। त्रिपुरासुर के मन का मैल सामने लाने के लिए मेरे तन का मैल ही पर्याप्त है। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। आपके तन के मैल से उत्पन्न हुए इस अरिहन के लिए क्या आदेश है प्रभु? गणेश के निर्देशानुसार मिथ्या भक्ति की परत के पीछे जो छुपे हैं उनके मन के मैल को सामने ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। अरिहन जी, इसके लिए अधिक समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि त्रिपुर समीप आकर एक सीधी रेखा में आ रहे हैं, और जब तक वो उस रेखा में रहेंगे उसी अवधि में उनका विनाश किया जा सकता है। अवश्य। त्रिपुर के एक रेखा में आने के पूर्व इन असुर सैनिकों को जीवित करूंगा, त्रिपुर का कोई विनाश नहीं कर सकेगा। यज्ञ की अग्नि तो मंद पड़ती जा रही है, इस अग्नि को और तीव्र करने की आवश्यकता है, मुझे और आहुति देनी होगी। रुकिए गुरुवर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। नमो नमः। गुरुवर, अब ये यज्ञ कदापि नहीं थमेगा, शीघ्र ही चरम पर पहुंचेगा अपने। आप चिंता मत कीजिए गुरुवर, मैंने भंडार को पुनः यज्ञ सामग्री और भिक्ष से भर दिया है। अवश्य ही भंडार में स्थित
यज्ञ सामग्री को नष्ट भ्रष्ट करने का कार्य महादेव पुत्र के उस दूषक ने किया होगा। मैंने सुरक्षा के प्रबंध और कड़े कर दिए, अब यज्ञ में और विघ्न नहीं आएगा। विघ्न आ नहीं सकता, आ चुका है। गणेश बन रहा है विघ्नकर्ता। देवताओं पर असुरों का आधिपत्य स्थापित करने की हमारी गुप्त योजना ज्ञात है उसे। वो विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु मैं अपने उद्देश्य में अडिग रहूंगा। इस संघर्ष में केवल और केवल असुरों की विजय होगी। हम सावधान रहेंगे गुरुवर, परंतु आप व्यर्थ चिंता कर, जब तक महादेव की कृपा दृष्टि हम पर है, हमें कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये भक्ति का ढोंग हमें तब तक और ढोना होगा जब तक हमारे पूर्व सीधी रेखा से पार नहीं आ जाते, और जिसके बाद सहस्त्र वर्षों तक हमारा कोई अहित नहीं कर सकेगा। त्रिपुर के एक रेखा में आने में कुछ ही समय शेष है। ये अवसर बीतने से पूर्व पुत्र गजानन को कुछ करना होगा। अरिहन जी, आप मेरी योजना भली भांति समझ गए ना? हाँ, माता पार्वती नंदन श्री गणेश, मैं न केवल आपकी योजना भली भांति समझ गया हूं, अपितु आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी चतुराई का प्रशंसक भी बन गया हूं। धन्यवाद, किंतु स्मरण रहे, ये कार्य हमें नियत समयावधि में ही पूर्ण करना है। मुझे विश्वास है हमारी ये योजना अवश्य सफल होगी। अवश्य श्री गणेश। मैं नारायण का अंश अरिहन त्रिपुर में प्रवेश का इच्छुक हूं। नारायण का अंश यहाँ क्यों? गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा था कि सावधान रहना, तो हम सावधान ही रहेंगे। अरिहन से भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं तो यहाँ अपने नवीन मित्रों की सहायता हेतु आया हूँ। इसका भीतर आना वर्जित किया तो वंचित रह जाएंगे आप लोग उस दिव्य अमृत से, और यदि इस अरिहन को प्रवेश करने दिया तो समस्त त्रिपुर वासियों के सुख और समृद्धि का एकमात्र स्रोत वो दिव्य अमृत, वास्तविक अमृत प्राप्त कर लेंगे आप। किंतु यदि आप तीनों को मुझ पर शंका है और यदि आपको वो दिव्य अमृत नहीं चाहिए तो मैं चला। कहीं छल तो नहीं है? नारायण के अंश होकर उनके शत्रुओं के लिए अमृत क्यों लाए हो तुम? आपका कहना उचित है, अंश हूं उनका, मित्र नहीं, सेवक हूं उनका, किंतु शुभचिंतक नहीं। जिस प्रकार आप असुरों को कोई भी स्वीकार नहीं करता, ठीक उसी प्रकार इस अरिहन का भी तिरस्कार किया है स्वयं नारायण ने।
के मैल से उत्पत्ति हुई है मेरी, इसीलिए मुझे अपनी स्वयं की इस उत्पत्ति को वो आप असुरों के समान मैल ही मानते हैं, और इसलिए ये स्वाभाविक है कि मेरी और आपकी मित्रता हो जाए। और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं आपके समक्ष मित्रता करने के लिए आया हूं। यदि आपको स्वीकार हो तो कहें भीतर चलूं। प्रवेश करने में सफल हो गए। अब प्रतीक्षा है कि वो किस प्रकार उनका ढोंग सामने ला पाते हैं। तुमने हमसे असत्य क्यों कहा कि तुम्हारे पास वास्तविक अमृत है? प्रतीत होता है तुम्हें महादेव पुत्र गणेश ने भेजा है हमारी योजना भंग करने के लिए। और हाँ, त्रिपुर में प्रवेश पाने के लिए छला है तुमने हमें। कान जी, भीतर क्या हो रहा है ज्ञात करने में मेरी सहायता कीजिए। एक विषैली छाया का प्रकोप है आपके मन पर, इसीलिए तो आप दुखी हैं, अत्यधिक चिंताग्रस्त हैं, तनाव में हैं आप और इतने भयभीत हैं। किंतु आपके दुखों का नाश करने वाला, आपकी इस विषैली छाया को हटा देने वाला दिव्य अमृत है अरिहन के पास। मुझे समझाया मैं। घबराता। तुम कौन से विष को हटाने की बात कर रहे हो? हम तुम्हें एक और अवसर देते हैं। तुम हमें यह बताओ कि त्रिपुर वासियों के लिए तुम ऐसा कौन सा वास्तविक सुख लाए हो? अरिहन जी प्रयास तो कर रहे हैं, किंतु त्रिपुर की सत्यता जानना इतना भी सरल नहीं है। महादेव की भक्ति का ढोंग ये भी तो एक विष के समान ही है, किंतु उसी विष से मुक्ति दिलाने वाला दिव्य अमृत लेकर आया है अरिहन। आपकी बुद्धि और आपके हृदय, इन दोनों में केवल और केवल एक ही प्रबल इच्छा व्याप्त है, और वो है भोग, विलास, आनंद उठाने वाली इच्छा। किंतु सत्य तो ये है, ये सब कुछ होने के पश्चात भी आप लोग भयभीत होने के कारण दरिद्रों की भांति अपना जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं। हमें भयभीत पुकारने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अरिहन जी, आपको और भी युक्ति लगानी होगी। शिव भक्ति का ढोंग करते करते कठिन धर्म का पालन ऐसे घोर कष्ट उठा रहे हैं आप, और त्रिपुर जैसे संपन्न पुरों के अधिपति होते हुए भी काम, लोभ, मोह, मदिरा,
इन सब से दूर क्यों हैं आप? क्योंकि शिव भक्ति से हमें सुरक्षा प्राप्त होती। त्रिपुरासुर, कैसी भ्रांति में जी रहे हैं आप? सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता, साक्षात भगवान महादेव को आप तीनों की ये ढोंगी भक्ति भली भांति ज्ञात है। किंतु फिर भी आप तीनों सुरक्षित हैं और इसका कारण आपकी ढोंगी भक्ति नहीं है अपितु आप तीनों की संगठित शक्ति है। इस समय मुझे आभास हो रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र आप तीनों को और भी अधिक शक्ति प्राप्त होने वाली है। हाँ, यहाँ पर एक अमर अपराजेय सेना का निर्माण किया जा रहा है जो हमें समस्त संसार का आधिपत्य प्रदान करेगी। तो फिर किस भय के कारण आप लोग महादेव की भक्ति का ढोंग कर अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं? भूल जाइए अपनी इस ढोंगी भक्ति को, इनका समय अब गया। पहचानिए अपनी शक्तियों को, महाबलशाली त्रिपुरासुर हैं आप तीनों और इसलिए अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार जीना प्रारंभ कीजिए। ये नारायण अंश सत्य कह रहे हैं, हमें भला किसका भय। चलिए मूषक जी, जब सभी सुख सुविधाएं प्राप्त है हमें, फिर ऐसे दरिद्रों की भांति क्यों जी रहे हैं? सत्य है, भक्ति में व्यर्थ कर रहे हैं अपना जीवन। पिताश्री, अब शीघ्र सत्य आपके समक्ष आ जाएगा जब त्रिपुरासुर द्वारा आपकी झूठी भक्ति समाप्त होगी और सत्य शीघ्र आपके नेत्रों के समक्ष प्रकट होकर आपको विश्वास दिला देगा। प्रतीत होता है कि हमारी योजना सफल हुई। मेरी बातों से प्रभावित हो गए हैं ये तीनों असुर। गुरुदेव शुक्राचार्य ने हमें सचेत किया था, इसलिए हमें इसकी रमजान में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें हमारे भक्ति के मार्ग से इतनी सरलता से भटका सकोगे? पुत्र, मेरे भक्त किसी भी स्थिति में भक्ति के मार्ग से नहीं डिगेंगे। आपको विश्वास दिलाने के लिए मुझे कुछ और प्रयास करना होगा। उचित है। अरिहन को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप त्रिपुरासुर उस दिव्य अमृत के सुख का स्वाद नहीं लेना चाहते और ना ही आप तीनों को मेरी बातों पर विश्वास है। इसलिए उचित होगा कि मैं यहां से प्रस्थान कर जाऊं। कोई अमृत नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए अमृत के नाम पर हमें मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो। Thank you.
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन तीनों को आपकी आवश्यकता नहीं है और इसलिए हमें यहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्थान कर लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो तब तक प्रयास करता है जब तक उसे कार्य में सफलता नहीं मिल जाती। देवी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन तीनों को आपकी आवश्यकता नहीं है और इसलिए हमें यहां से शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्थान कर लेना चाहिए। अरे, इस सुंदरी के हाथ में जो कुछ भी है उसका एक घूंट पान करने में कोई समस्या नहीं है। यदि आपको यहां से लौटा देते तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती। आपने उचित कहा था कि वास्तविक अमृत तो ये है, ये मदिरा, ये सौंदर्य, ये नृत्य, ये आनंद, ये मदिरा। तो आज से भक्ति नहीं भोग होगा, मदिरा का भोग। आज से यहां पर चरणामृत पान नहीं होगा परंतु मदिरा पान होगा। त्रिपुरासुर की रक्षा करने वाली आपकी भक्ति की ढाल अब नष्ट हो चुकी है पिताश्री। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि अधर्म के प्रति है उनकी वास्तविक भक्ति। तो प्रभु, इसके पूर्व कि उनकी असुर सेना जीवित हो, उनके पूर्व सीधी रेखा से बाहर आए और असुर सहस्त्र वर्षों तक सर्वत्र विनाश करें, उनका अंत कर दीजिए। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम पूपा जी। प्रणाम मामा जी। महादेव, गणेश ने बड़ी ही चतुराई से समय रहते उनका सत्योजागर किया है, अन्यथा बहुत विलंब हो जाता। विलंब तो अभी भी हो रहा है, इसीलिए समस्त देवी देवताओं की ओर से मैं प्रार्थना करता हूं महादेव कि इस असुर उपद्रव को उत्पन्न होने से पूर्व रोक दीजिए। स्वरूप
दानं कृपालं मम भोले। स्वाहा स्वाहा। मदिरा लाओ सुंदरे, मदिरा और मदिरा पिलाओ, पिलाओ आनंद सुंदरे, अति आनंद नृत्य करो, क्या नृत्य वाह आनंद, क्या नृत्य अति आनंद, मदिरा पी के नृत्य देखने का आनंद होता है वाह, चलो मदिरा वाह सुंदरे वाह, और मदिरा पिलाओ और नृत्य करो। मेरा कार्य यहाँ पूर्ण हुआ। महादेव पुत्र श्री गणेश ने अपनी बुद्धि का अचूक वार किया है इन तीनों दुष्टों पर। त्रिपुरासुर का वास्तविक चरित्र स्पष्ट हो गया है। उनका कुटिल अभिप्राय भी अब किसी से छिपा नहीं। गणेश के प्रयासों से त्रिपुरासुर का सत्य उजागर हो गया है, इसलिए उनका अंत करने को तत्पर हूं मैं, तत्पर हूं मैं। किंतु इसके लिए मुझे वो बाण चाहिए। जो बाण बाण ना हो, और वो बाण उस धनुष से चले। जो धनुष धनुष ना हो, और महादेव ऐसा उस रथ पर आरूढ़ होकर करे। जो रथ रथ ना हो, ये सभी कौन प्रस्तुत करेगा? पिताश्री, मैं प्रस्तुत करूंगा। पुत्र, ऐसा रथ धनुष और बाण कहाँ ढूंढोगे तुम? मैं समझ गया, जो रथ रथ ना हो उस रथ का निर्माण कैसे होगा? माँ, जिस प्रकार सूर्यदेव के रथ में लगे अश्व केवल अश्व नहीं अपितु ऊर्जा के सात रंग के प्रतीक हैं, तथा गायत्री बृहति उष्णिक जगति त्रिष्टुप अनुष्टुप और पंक्ति, ये सात छंद अश्व हैं। उसी प्रकार पिताश्री का रथ भी रथ नहीं होगा अपितु स्वयं देवता होंगे। और देवताओं के इस रथ का निर्माण करने के लिए मुझे ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ और कुशल शिल्पी विश्वकर्मा जी की सहायता चाहिए होगी। मैं प्रस्तुत हूँ गणेश जी, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। उचित है, फिर सभी का आशीष लेकर हम रथ निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हैं।
त्रिपुर में यह कोलाहल कैसा? मूर्ख, थोड़ी और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? अवश्य ही गणेश का छल है ये। मुझे यज्ञ को शीघ्रता से संपन्न कर असुर सेना जागृत करनी होगी। त्रिपुर की रक्षा का मात्र यही उपाय है। ओम भ्रीम ब्राम त्रिम त्राम स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हे पार्वती नंदन गणेश, मैं विश्वकर्मा देवशिल्पी होकर भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि धनुष बाण और रथ का निर्माण हम कैसे करेंगे, जिसकी हमें आवश्यकता है, जो हो भी और ना भी हो, यह कैसे संभव है? हमारी बुद्धि और निपुणता ये संभव कर देगी विश्वकर्मा जी। हम ऐसे सर्व देवों में रथ का निर्माण करेंगे जो रथ नहीं है। सर्व देवों में रथ? हाँ विश्वकर्मा जी, वो रथ जो सर्व लोकमय और सर्व भूतमय हो, जिसके दाहिने चक्र में स्वयं सूर्य देव और रथ के चक्र की तिल्लियों में 12 आदित्य विराजमान हो। रथ के बाएं चक्र में चंद्रमा हो और उसकी 16 तिल्लियों में चंद्रदेव की 16 कलाएं बसेंगी और सभी नक्षत्र भी रथ के चक्र के साथ साथ चलेंगे। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हो। मेरे पिताश्री महादेव के भार को मंदराचल के अतिरिक्त कोई नहीं संभाल सकते, इसलिए रथ के बैठने के स्थान पर मंदराचल हो। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ नदियाँ अपने नारी रूप में रथ पर स्थित होकर चंवर डुलाएंगी। चारों वेद उस रथ के चार अश्व होंगे। वायुदेव रथ के आगे आगे चलकर रणभेरी बजाएंगे। ब्रह्मदेव रथ के सारथी होंगे, ओमकार उनके चाबुक बनेंगे और आकार रथ का छत्र बनेगा। संवत्सर रथ का वेग और मुहूर्त उसकी रस्सी होंगे। स्वर्ग और मोक्ष रथ की ध्वजा। कामधेनु और एरावत की पत्नी अब्राहमु रथ के जुए के अंतिम छोर पर स्थित होंगे और पंचभूत इस रथ के बल बनेंगे। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी,
उस रथ का निर्माण हो गया ना, जो रथ नहीं है। आपकी बुद्धि और आपकी कल्पना अतुलनीय है, अद्भुत है प्रभु। धन्यवाद विश्वकर्मा जी। आइए अब हम धनुष का निर्माण करते हैं। नाना जी शैलराज हिमालय धनुष का ढांचा बने और श्रीहरि नारायण के शैया शेषनाग जी उसकी प्रत्यंचा। धनुष भी प्रस्तुत हो गया ना विश्वकर्मा जी, जो धनुष नहीं है। अब बाण, त्रिपुर को नष्ट करने वाले बाण, स्वयं जगत के पालनहार मामा जी नारायण हो। और सभी अपवित्रताओं को मिटाने वाले अग्निदेव बाण की नोक बने। तो देखा विश्वकर्मा जी, निर्माण हो गया ना बाण, जो बाण नहीं है। अब इनको पिताश्री के पास ले चलते हैं। त्रिपुर के संहार को लगाए अद्वितीय अद्भुत सा रथ बनाए, हिमालय अवशेष नाम से बना धनुषा, श्री विष्णु स्वयं मान बन गए। धनुष सुमन शिव को प्रदाया, अवसर ये उचित धरण युद्ध हेतु आया, त्रिपुर रो पराजित ये सब मन ठाने, क्या होगा परिणाम शंभु जाने। पिताश्री, प्रस्तुत है वो रथ जो रथ नहीं है। वो धनुष है ये जो धनुष नहीं, और ये लीजिए वो बाण जो बाण नहीं।
ओम त्रिम त्राम भ्रीम भ्राम स्वाहा। ओम त्रिम त्राम भ्रीम भ्राम स्वाहा।